आप लोग गए आज की हम वीडियो ले गया है आपके लिए बजाज की प्लेटिना 100 और बजाज की सीटी 110X के बारे में दोनों बात करेंगे भाई, इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, कितनी क्या प्राइस है, क्या माइलेज है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो में, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दो जल्दी से फटाफट। तो शुरू करते हैं, तो गाय सबसे पहले फ्रंट लुक से बात करते हैं, जो कि दोनों का फ्रंट लुक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बजाज की प्लेटिना 100 CC जो कि रेड कलर में खड़ी हुई है, वो बजाज की सीटी 110X जो कि ब्लू कलर में खड़ी हुई है। तो दोनों का फ्रंट लुक आपको देख समझ में आ रहा है, अलग अलग चेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको पूरा LED DR लाइट मिलती है, हेलोजन हैंडलैम मिलती है 35 वाट की, वहाँ पे आपको राउंड शेप में बड़ी वाली 35 वाट की हेलोजन हैंडलैम मिलती है, ऊपर LED DR लाइट मिलती है और ऊपर नंबर प्लेट की जगह दी गई। यहाँ पे नीचे दी गई, यहाँ पे फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दोनों में सेम मिल जाती है, ये बात है। यहाँ पे साइड में दोनों में ग्राफिक्स मिलती है, वहाँ पे ब्लू कलर की, यहाँ पे कुछ स्टेप की। तो आगे से फ्रंट लुक बताइए किस कौन सा बढ़िया लगा मुझे, बजाज की प्लेटिना का काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वो राउंड शेप में दी गई मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। नीचे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, वहाँ पे आपको मिलता है भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रबड़िंग के साथ में। आप बताओ आपको रबड़िंग वाला अच्छा लगता है या ये अच्छा, मुझे ये लगता है। यहाँ पे दोनों साइड रिफ्लेक्टिव दिए गए हैं दोनों में, दोनों की टायर की साइज बात करते हैं, यहाँ पे 275 का टायर मिलता है सिल्वर कलर के एलोय व्हील के साथ में, ट्यूबलेस टायर नहीं ट्यूब टायर है। और यहाँ पे मडगार्ड आपको ब्लैक ग्लॉसी ग्लेंस में मिलेगा, यहाँ पे आपको टायर कुछ स्टेप पर दिया गया है, यहाँ पे मडगार्ड कुछ आपको फाइबर टाइप पर दिया गया है। और यहाँ पे जो टायर की साइज की अगर बात करें 275 का टायर सेम मिल जाता है, यहाँ पे भी ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता है, ट्यूब टायर मिलता है ब्लैक कलर की रिम एलोय व्हील के साथ में। तो कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पे भाई, आपको मिलता है प्लेटिना की मतलब ब्रांडिंग गोल्डन में, और ये 11 लीटर का टैंक मिलता है, यहाँ पे भी आपको सेम 11 लीटर का टैंक मिलता है सीटी की ब्रांडिंग के साथ में। टैंक साइड पैड आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई पैड आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ग्रेफिक्स कुछ ऐसी दी गई है। यहाँ पे काफ़ी हैवी लेग गार्ड आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको लेग गार्ड बहुत स्मॉल सा मिलेगा, किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों की बाइक मिलेगी। ये 4 गियर स्पीड मतलब 4 गियर की बाइक है, ये भी 4 गियर की बाइक है। यहाँ पे आपको इंजन कॉल वगैरह सेफ्टी के लिए दिया गया है, डस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे कोई आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सिल्वर कलर का आपको इंजन देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिलता है, ये अंतर है। 110 CC का इंजन मिलता है इसमें 4 गियर बॉक्स के साथ में, यहाँ पे 100 CC का मिलता है 4 गियर बॉक्स के साथ में। और यहाँ पे साइड कटअप सेंसर का फीचर्स भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह सब कुछ सेम दिए गए हैं। तो इस साइड के अगर प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखो कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा सीन इधर का, और सिंगल हॉर्न दोनों में देखने को मिलता है। इस साइड भी आपको सीटी की ब्रांडिंग दी गई, पैड दिए गए, 110X की ब्रांडिंग यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको चैन कवर आपको देखने को मिलता है, और वहाँ पे आपको सस्पेंशन वगैरह कुछ हाइड्रोलिक सस्पेंशन दोनों में मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पे गोल्डन स्प्रिंग के साथ में आता है। तो ये कुछ कहानी है, यहाँ पे एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप का लंबा वाला दिया गया है, जिसमें आपको कुछ इस टाइप का दिया है, बढ़िया वाला दिया गया। पीछे का लुक कुछ ऐसा है भाई दोनों गाड़ियों का। यहाँ पे टेल लैम्प आपको मिलेगी बॉक्सर टाइप की, जो आपने पुरानी देखी होगी उस टाइप की आ रही है, यहाँ पे टेल लैम्प कुछ ऐसी है। यहाँ पे हैंड ग्रिल कुछ इस टाइप की इसकी जो बढ़िया वाली दी गई, यहाँ पे हैंड ग्रिल काफ़ी हैवी वाली, आप सामान वगैरह लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। पीछे का कुछ ऐसा लुक हैवी वाला, सेफ्टी गार्ड वगैरह दोनों में लग के आएंगे। यहाँ पे भाई कम्फर्ट वाली सीट मिल जाती है, लॉन्ग सीट, यहाँ पे थोड़ी सी सीट आपको छोटी मिलेगी, 100 CC की ब्रांडिंग दी गई। यहाँ पे आपको सेफ्टी गार्ड वगैरह दोनों साइड मिलेगी बढ़िया से, एकदम मजबूत वाले। तो ये है कुछ कहानी भाई इस गाड़ी की। और आगे से मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो मीटर कंसोल कुछ इस टाइप के इसके मिरर मोटे वाले दिए गए हैं। यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है, सेल्फ स्टार्ट बटन है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर हॉर्न वगैरह ये सब दोनों में सेम मिलेंगे भाई। कुछ इस टाइप का इसका मीटर कंसोल है, यहाँ पे राउंड शेप में दिए गए हैं दोनों का, कुछ ऐसा लुक है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता, जो कि 125X में आता है, इसमें नहीं आता। और यहाँ पे आप ब्लैक कलर का पूरा हैंडल आपको दिया गया है, कुछ ऐसा पकड़ने के लिए, बच्चा बैठने कैरी वैरी करने के लिए, गमछा वगैरह टांगने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता, यहाँ पे सिल्वर कलर का है, यहाँ पे कुछ ऐसा मीटर कंसोल यहाँ का दिया गया। तो ये कुछ कहानी है दोनों बाइक्स की भाई, आप बता दो कमेंट में कौन सी बाइक आपको सबसे बेस्ट लग रही है। तो ये है भाई दोनों गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी भाई, दोनों में अंतर बता दिया। प्राइस के बारे में बात करते हैं, दोनों की ऑन रोड प्राइस क्या है, दोनों की ऑन रोड प्राइस है इसकी 81,000 रुपये ऑन रोड प्राइस, उसकी प्राइस है भाई वो ही निकल के आती है 85,000 से 86,000 के लमसम इसकी ऑन रोड प्राइस है। दरियागंज
कृष्णा ऑटो मोटर्स रेवन पटेल का से यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा मेरी तरफ से, तो आप चेक कर सकते हैं भाई। कुछ ऐसा सीन है दोनों बाइक्स का, बताओ नीचे कमेंट्स में कौन सी बाइक सबसे बेस्ट लगी। दोनों का माइलेज भाई, इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा है, प्लेटिना 100 का 70 से 75 दे देती है, वो भाई 65 से 70 के लमसम देगी भाई। 110 cc का इंजन है, काफ़ी मजबूत बाइक है। हाँ ये तो इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा मजबूत बाइक है ऑफ रोडिंग के लिए, गाँव वालों के लिए, मतलब सामान कैरी करने के लिए काफ़ी मजबूत बाइक दी गई है। मुझे पर्सनली उसका लुक या थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे लुक इसका काफ़ी थोड़ा सा बढ़िया लगता है, मतलब। तो अपने अपने हिसाब आप बताओ कमेंट में कौन सी आप खरीदने वाले हैं। दोनों का हमने सब कुछ बता दिया, तो ये कुछ कहानी आज की वीडियो की। आई होप वीडियो लगी होगी आपको अच्छी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।